हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू चैनल अभिषेक एडिवल। आज के इस वीडियो में हम लेसन 1 क्लास 9 का बीहाइव इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक का कंप्लीट करेंगे, जिसका लेसन 1 है द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनकी डीओवी जो है लाइफ स्पैन है 1874 to 1963। शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, आप अपनी बुक को कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई आपको डिफिकल्टी होती है। Where does the traveler find himself? What problem does he face? The traveler finds himself in a yellow forest. वो अपने आप को एक येलो फॉरेस्ट में पाता है। Where two roads are going in different directions? जहाँ पे दो रोड जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। He faces the problem of selecting one of the two roads for walking on. उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें से उसको उन दो रोड्स में से उसे एक को सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू यू। इन फ्रेजेस का क्या अर्थ है आपके लिए। पहली फ्रेज है अ येलो वुड। येलो मीन्स पीला होता है, यहाँ पे इट मीन्स द सीजन ऑफ ऑटम। ऑटम सीजन में जो है जो लीव्स होते हैं ट्रीज के, जो लीव्स होते हैं प्लांट लीव्स होते हैं, सब जो है येलो हो जाते हैं और ये पतझड़ का समय होता है, इसे फॉल भी कहते हैं। द ऑथर हैड सीन द फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ऑटम सीजन की बात है। नेक्स्ट है इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ये घास से भरा हुआ था और शरद अपना प्रयोग चाहती थी। इट मीन्स द पाथ वॉज कवर्ड विद ग्रास। ग्रास से भरा हुआ था। इट वॉज नॉट यूज यूजली सो इट वॉन्टेड द पीपल टू मूव ऑन। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं हुआ था इसलिए ये सड़क चाहती थी कि इसका भी प्रयोग हो। थर्ड इसमें से है, तीसरी फ्रेज है द पासिंग देयर। क्या अर्थ हुआ द पासिंग देयर का उस पोएम में। दिस सिग्निफाइज, यह बताती है द पीपल पासिंग थ्रू द रोड। और इससे जो है इसका अर्थ ये हुआ कि उससे लोग जा रहे थे जो दूसरी बारी भी सड़क थी। नेक्स्ट, लिप्स नो स्टेप्स ट्रॉड इन ब्लैक। इसका क्या अर्थ हुआ कि कोई भी लिप्स जो है ब्लैक नहीं हुई थी, कोई भी उसको चलने का कोई चिन्ह नहीं था। इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन ट्रैम्पल्ड। इसका अर्थ ये हुआ अंडर द फीट ऑफ ट्रैवलर्स, अगर कोई चला होता तो वहाँ पे पत्ते काले हुए होते लेकिन कोई चला नहीं था। नेक्स्ट है हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। कैसे रास्ते से रास्ता बन जाता है, तो इट मीन्स दैट वन रोड लीड्स टू अनदर। एक रोड से दूसरा रोड जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है, एक रोड दूसरे रोड से जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है थर्ड है इसमें, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब्स देम। क्या कोई डिफरेंस उसमें है जो दो रोड की बात कर रहा है पोएट। तो इन स्टेंजा 2 and 3, ये एक पूछा गया है कि दूसरा इन स्टेंजा 2 और 3, दूसरे और तीसरे स्टेंजा में क्या कोई अंतर है। तो हाँ अंतर है, तो हाँ नहीं है तो नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस, लेकिन अंतर नहीं है, दोनों उसको जो है इक्वल लग रहे हैं, ऐसा पोएट कह रहा है अपने पोएम में। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द रोड्स इन स्टेंजा 2 and 3, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन, इसका सब क्वेश्चन है, इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम। क्या कहता है लास्ट 2 लाइन में, इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम द पोएट सेज दैट द रोड ही सिलेक्टेड वॉज लेस ट्रेवल्ड। जिस रोड को उसने सेलेक्ट किया है, जिसको चुना है, उस पर बहुत कम चला गया है, यही वो कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन। क्या इसका जो लास्ट की 2 lines है, जो इसकी कंक्लूडिंग लाइन्स है पोएम की, उसके क्या अर्थ हो सकते हैं। पहला लुकिंग बैक, क्या वो पीछे की तरफ देख रहा है। डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। क्या वो रिग्रेट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है कि उसने कौन सा रोड चुन लिया, या उसे एक्सेप्ट करता है। तो इसका क्या होगा, इन द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम द पोएट क्लियर्स, वो स्पष्ट करता है हिज ओपिनियन, अपने विचार को, दैट अ राइट डिसीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे जरूरी होता है कि हम एक सही निर्णय लें, ये सबसे नेसेसरी होता है। ही डिसाइडेड टू चूज द लेस ट्रेवल्ड रोड। उसने जिस पे कम चला गया था उस रोड को चुना, बिकॉज ही वॉन्टेड वेयर वेरी फ्यू पीपल मूव्ड ऑन। वो वहाँ जाना चाहता था जहाँ पे बहुत कम लोग गए हों, उस रास्ते को चुनना था उसे जहाँ पे कम लोग यात्रा किए हैं। द पोएट डज नॉट हैव एनी रिग्रेट ओवर द चॉइस, और उसको अपने चॉइस पे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड पोर्शन इसका है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस। क्या कभी आपके सामने कुछ ऐसी कठिन चॉइस आई है, डिफिकल्ट चॉइस आई है, जब आपको सोचना हो, डू यू थिंक यू विल हैव डिफ़िकल्ट चॉइस टू मेक। या कभी आपको लगा है कि कोई दो चीज़ों में आपको एक को चुनना है। हाउ विल यू मेक द चॉइस, फॉर वॉट रीजन, और कैसे अपनी आप चॉइस को करते हैं, क्या उसके पीछे कारण होता है, ऐसा
दिया गया है। आप इसमें अपना पर्सनल आंसर भी कर सकते हैं, वैसे मैंने आंसर को कवर किया है लेकिन आप पर्सनल कर सकते हैं। सच सिचुएशन ऑकर्स या हैपन्स इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, निश्चित रूप से ये डेली हमारे सामने समस्याएं आती रहती हैं, हमें सेलेक्ट करना होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द डिसीजन शुड बी टेकन वाइजली, सबसे जरूरी है कि हम अपने निर्णय को बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक लें। वन शुड थिंक ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, किसी चीज़ को चूज करने से पहले हमें उसके गुण अवगुण, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। आफ्टर थिंकिंग एवरी एस्पेक्ट, सब कुछ सोच लीजिए, द डिसीजन शुड बी टेकन, तभी निर्णय लीजिए, तो आप जो है अपने डिसीजन पे फॉर्म रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, क्या चॉइस करने के बाद आप हमेशा जो है उसे सोचते रहते हैं, पछताते रहते हैं, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या आप जो भी आपके सामने आता है उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसको भी आप अपने पर्सनली जैसा आपका नेचर है उसको आप कर सकते हैं। ये आई एक्सेप्ट द रियलिटी, यहाँ पे रियलिस्टिक नेचर को दिखाया गया है। आई एक्सेप्ट द रियलिटी, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। आफ्टर आई हैव मेड द चॉइस, जब चॉइस कर लेते हैं तो हम एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी को। यूजुअली प्रायः आई प्रोसीड एज द सिचुएशन गो, जैसी सिचुएशन चलती है उसके साथ चलते हैं। बींग अ रियलिस्टिक आई इंश्योर सक्सेस, और एक रियलिस्टिक होने के नाते, वास्तविकता में विश्वास करने के नाते, हम जो है उसी में अपनी संभावनाओं, जो हमारी सफलताएं हैं उसी में संभावनाओं को तलाशते हैं। इस तरह से इसके हम शॉर्ट आंसर्स को कंप्लीट किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।